सुदर्शन मेरुवंदना का पहला श्लोक सुनाया था, आज मैं दूसरे श्लोक की ओर आपको ले चलूंगी संक्षेप में ही। यो भद्र साल वन नंदन सामनस्य ही भाति है पांडुक वनेन च शाश्वतोऽपि चैत्यालयान प्रतिवनम चतुरो विधत्ते तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम् नमामि सततम् नमामि सततम् नमामि। जो सुमेरु पर्वत, भद्रसाल, नंदन, सोमनस और पांडुक इन वनों के द्वारा सुशोभित हो रहा है, शाश्वत मेरु पर्वत है और चारों वनों के अंदर चार चार जिन मंदिर हैं, ऐसे 16 चैत्यालयों से समन्वित 140,000 योजन उत्तुंग अर्थात 40 करोड़ मील 60 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई वाले सुमेरु पर्वत को हस्तिनापुर में 101 फुट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे सुमेरु पर्वत की आप सब लोग भावों से वंदना करते हुए और भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि एक दिन हम भी सम्यक दर्शन पूर्वक जब इस मनुष्य की पर्याय को छोड़ें, देव की पर्याय को प्राप्त करें, तो हम सब सर्वप्रथम जाकर सुमेरु पर्वत की वंदना देव पर्याय में जाकर के करें। देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया रे, देखो जम्बू द्वीप के अंदर। भद्रसाल नंदन सोमन सम पांडुक वन से पावन है, चारों वन में चार चार जिन मंदिर से मन भावन है, दुनिया में एकमात्र सुमेरु हो, दुनिया में एकमात्र सुमेरु सबके मन को भाया रे, दुनिया में एकमात्र सुमेरु सबके मन को भाया है। देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर। ये शास्त्र की बात हुई। और ऐसे चमत्कारमयी तीर्थ के अंदर जब कोई आते हैं, कोई यह मांगी धन संपत्ति कोठी बंगला गाड़ी रे, कोई यह मांगी धन संपत्ति कोठी बंगला गाड़ी रे, मेरु किरी का वंदन करके आस पूर्ण हो जाती रे, ज्ञानमती माता के ज्ञान का हो, ज्ञानमती माता के ज्ञान का लाभ सभी ने पाया रे, ज्ञानमती माता के ज्ञान का लाभ सभी ने पाया है। देखो जम्बू द्वीप के अंदर। मानुभाव इसका दर्शन कैसे करेंगे? तो इस सुमेरु पर्वत के अंदर 136 सीढ़ी हैं और बड़ी छोटी छोटी सी सीढ़ी हैं। 136 सीढ़ी चढ़कर चारों वन में जाना है, 136 सीढ़ी चढ़कर चारों वन में जाना है, 16 जिनवर का वंदन चंदना मती कर आना है, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते हो, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते पुण्य की ऐसी माया रे, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते पुण्य की ऐसी माया है। देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर। भव्य आत्माओं, ऐसा पुण्य हम सब ने इस पंचम काल के अंदर संचित किया है कि हमें उस साक्षात सुमेरु पर्वत की 136 छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ करके और बिल्कुल 5-7 मिनट के अंदर पर्वत को चढ़ जाते हैं। कोई कोई तो आकर दिन के अंदर, महाराज जी एक ही दिन में 108 वंदना करने वाले भी लोग जो आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं, ऐसी मनोकामना सिद्ध कराने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता के चरणों में भी
आज हमें कोटि कोटि नमन करते हुए और इनके चिरंजीवी होने की मंगल कामना मंगल प्रार्थना भगवान से करना है, जिन्होंने अद्वितीय रचनाओं को संसार के समक्ष दे करके और एक महान उपकार किया है। आज ऐसे दृश्यों को देखकर हमारे आचार्य श्री मुनि श्री बहुत ही प्रसन्न होते हैं और चारण रिद्धि मुनि के समान इस पर्वत की वंदना करके अपने सौभाग्य की भी सराहना करते हैं। ऐसे हमारे